विश्वविद्यालय करम कांकेर के छात्र शेख तैफुर रहमान ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं तथा परीक्षा के तनाव से मुक्ति के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं। तैफुर रहमान, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। प्रधानमंत्री महोदय नमस्कार, मेरा नाम शेख तैफुर रहमान है। मैं पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय कांकेर छत्तीसगढ़ का छात्र हूँ। मान्यवर, परीक्षा के दौरान अधिकांश छात्र घबराहट महसूस करते हैं, जिसके कारण वे मूर्खतापूर्ण गलतियां कर बैठते हैं, जैसे कि प्रश्नों को सही ढंग से ना पढ़ना आदि। मान्यवर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि इन गलतियों से कैसे बचा जाए, कृपया अपना मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। शुक्रिया तैफूर। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अब ये तनाव से मुक्ति कैसे हो? आप देखिए कैसी गलती होती है। कुछ गलतियां यानी रोजमर्रा की हम थोड़ा ऑब्जर्व करें तो पता चलेगा। कुछ गलतियां पेरेंट्स का अति उत्साह कर देता है, कुछ गलतियां स्टूडेंट की अतिशय सिंसियरिटी कर देती है। बस समझता हूं इससे बचा जाए। जैसे मैंने देखा है कि कुछ माँ बाप को लगता है कि आज एग्जाम है तो बेटे को नई पेन ला करके दो, जरा कपड़े अच्छे पहना करके भेजो, तो उसका काफी समय तो उसमें एडजस्ट होने में ही जाता है। शर्ट ठीक है कि नहीं है, यूनिफॉर्म ठीक पहना है कि नहीं पहना है। माँ बाप से मेरा आग्रह है, जो पेन रोज उपयोग करता है ना वही दीजिए आप। या वहां पेन दिखाने थोड़ा जा रहा है वो, और परीक्षा के समय किसी को फुर्सत नहीं है, आपका बच्चा नया पहन करके आया पुराना पहन के आया। तो ये साइकी उनको बाहर आना चाहिए। दूसरा, कुछ ऐसी चीजें खिला करके भेजेंगे, तुझे एग्जाम है ये खा के जाओ, एग्जाम है ये खा के जाओ, तो उसको और मुसीबत होती है, जिसका वो कंफर्ट नहीं है। आवश्यकता से अधिक उस दिन खाना, फिर माँ कहे अरे तुम्हारा तो एग्जाम सेंटर इतना दूर है, तुम रात आते आते 7 बज जाएगा, ऐसा करो कुछ खा के जाओ, फिर कहेगी कुछ लेके जाओ। उसको रेजिस्ट करने लगता है, नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा। वहीं से तनाव शुरू हो जाता है, घर से निकलने से पहले हो जाता है। तो मेरी सभी पेरेंट्स से अपेक्षा है और मेरा सुझाव है कि आप उसको अपनी मस्ती में जीने दीजिए। एग्जाम देने जा रहा है तो उत्साह उमंग के साथ चला जाए, बस जो उसकी रोजमर्रा की आदत है वैसा ही रहे वो। फिर जो सीनियर स्टूडेंट है उनका प्रॉब्लम क्या होता है, दरवाजे तक किताब छोड़ते नहीं, दरवाजे तक। अब आप अचानक इस प्रकार से गए, इवन रेलवे स्टेशन पर भी जाते हैं ना, तो कभी ट्रेन की एंट्री और आपकी एंट्री ऐसा होता है क्या? आप 5-10 मिनट पहले जाते हैं, प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते हैं, कहाँ आपका डिब्बा आएगा उसका अनुमान लगाते हैं, फिर उस जगह पे जाते हैं, फिर सोचते हैं कि पहले कौन सा लगेज अंदर ले जाऊंगा, फिर कौन सा, यानी मन आपका तुरंत अपने आप को ट्रेन आने से पहले ही सेट करने लग जाता है। वैसे ही आपका जो एग्जामिनेशन हॉल है, हो सकता है वो कोई सुबह से आपके लिए खोल के नहीं रखेंगे, लेकिन 10-15 मिनट पहले तो अलाउ कर ही देते हैं, तो आराम से जैसे ही खुले अंदर पहुंच जाइए और आराम से बैठिए मस्ती से। जरा पुरानी कोई हंसी मजाक की चीजें हैं तो उसको जरा याद कर लीजिए, और दोस्ती बगल में तो एक आध चुटकुला सुना दीजिए, हंसी मजाक में पल 5-10 मिनट बिता दीजिए। कुछ नहीं है जान पाने, कम से कम एक डीप ब्रीथिंग करिए, बहुत गहरा सांस लीजिए। परीक्षा में घबराहट का कभी कारण ये होता है, कभी लगता है समय कम पड़ गया, कभी लगता है कि अच्छा होता मैं वो क्वेश्चन पहले कर लेता। तो इसका उपाय ये है, पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए, फिर मन से तय कीजिए कि किस आंसर में कितना मिनट मोटा मोटा मेरा जाएगा, और उसी प्रकार से अपना समय तय कर लीजिए।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।